इन मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको, यहाँ बालको थाना में, हम बालको थाने परिसर में मौजूद हैं। और यहाँ पर खनिज विभाग रायपुर की टीम ने बेचिंग प्लांट जो यहाँ पर बालको में संचालित हो रहा था, बालको के प्लांट के ठीक बगल में, वहाँ पर जो है मटेरियल सप्लाई और गिट्टी इत्यादि को मिक्स करके जो है रेत के साथ जो है वह कार्य कर रहे थे, जिसमें कुछ कमियाँ पाई गई, त्रुटि पाई गई। मिली शिकायत के आधार पर रायपुर की टीम यहां पर जो है आई और बेचिंग प्लांट को सील करते हुए कई वाहनों को जब्त की, उसमें से एक यहां पर बालको थाने परिसर में है, यहां हाईवा जो है वो खड़ी है, इसमें गिट्टी से लदी जो है हाईवा खड़ी है, इस पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है और सुरक्षार्थ बालको थाने में यहाँ पर जो है अभी रखा गया है। तो अब सवाल यह उठता है कि इस तरह से यदि रायपुर की खनिज टीम को इतनी जहमत उठानी पड़ रही है, इतना दूर आकर कार्रवाई करना पड़ रहा है, तो कोरबा की खनिज विभाग की टीम आखिर सक्रिय क्यों नहीं दिखाई पड़ती? तमाम क्षेत्रों में अवैध तरीके से रेत का उत्खनन लगातार जारी है। हमने अपने खबरों के माध्यम से कई क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन को उजागर भी किया है। बावजूद इसके और अवैध तरीके से रेत का उत्खनन बदस्तूर जारी है। इस तरह से यदि क्षेत्र में अवैध गतिविधियां, अवैध खनिज, अवैध खनन, लगातार लाल ईंट का निर्माण धड़ल्ले से कोरबा ज़िले में तमाम क्षेत्रों में जारी है, समाचार भारती की टीम लगातार उस पर कार्य कर रही है, उसे उन खबरों के माध्यम से, उन वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रही है, ताकि खनिज विभाग इन मामलों में संज्ञान ले तथा जाँच कर उचित कार्रवाई करे। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के अभाव में इन सबों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे अब पत्रकारों से भी उलझते हैं। तमाम क्षेत्रों में अवैध गतिविधियां हैं, तो ऐसे अधिकारी भी हैं जो पत्रकारों का फ़ोन नहीं उठाते, उतनी फ़ोन उठाने की जहमत नहीं उठाते। यदि हम उन्हें अपडेट करते हैं खबरों के माध्यम से, उन्हें अवैध गतिविधियों को दिखाते हैं, उसके बावजूद उन पर अगर कार्रवाई नहीं होता है, तो यह भी एक असंतोषजनक चीज़ें हैं। खनिज विभाग को चाहिए कि पत्रकारों का, हम निवेदन करते हैं कि पत्रकारों का वे फ़ोन उठाएं, ताकि हम उन्हें अवैध गतिविधियों के विषय में जानकारी देते रहें। वीडियो के माध्यम से हम उन्हें खबरों के माध्यम से प्रकाशन में लाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, अनेकों बार हम खबरों पर प्रकाशन में लाते हैं। कई अवैध गतिविधियों में संलिप्त इस तरह के लोग हमसे उलझ भी पड़ते हैं, किंतु खनिज विभाग संबंधित क्षेत्र में विजिट नहीं करती है, तो कार्रवाई के अभाव में कहीं ना कहीं इनके हौसले भी बुलंद हो रहे हैं और अब ये पत्रकारों से भी उलझते हैं, तो कहीं ना कहीं हम चौथे स्तंभ हैं। पत्रकार समाज का दर्पण होता है, वह फील्ड में जाकर तमाम अवैध गतिविधियों को सामने लाता है, वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करता है। आगे की कार्रवाई यदि आपका तो दायित्व तो बनता है, जिस तरह पत्रकार फील्ड में घूमते हैं, आप भी जो है फील्ड में घूमकर अवैध गतिविधियों को देखें। सिर्फ ऑफिस की चार दीवारी में बैठकर एसी की हवा खाना ही महज आपका कार्य नहीं है। हम आपको कार्य समझाने का हमारा कतई मकसद नहीं है, किंतु हमने कई बार फील्ड में जाकर खनिज विभाग के आला अधिकारियों को फ़ोन किया है, किंतु उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है। फ़ोन नहीं उठाने की अवस्था में हम खबर बनाते हैं, खबर बनाने के पश्चात जो है हम उन खबर को जब सर्कुलेट करते हैं, उसके बावजूद यदि अवैध गतिविधियों पर, कुछ जगहों पर खाना पूर्ति के नाम पर कार्रवाई ज़रूर होती है, हम यह नहीं कहते हैं कि खाना कार्यवाही नहीं हो रही है, किंतु तमाम कई ऐसी चीज़ हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी बालको क्षेत्र में, रिंग रोड क्षेत्र में, ऐसे कई जगहों पर अवैध लाल ईंट का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। और हम संबंधित विभाग से यह आग्रह करते हैं कि खबरों को देखने के पश्चात वे उन पर त्वरित कार्रवाई करें, ताकि इस तरह के अवैध गतिविधियों और राजस्व को हो रही लगातार क्षति से बचाया जा सके और जो है इन अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर जो है एक भय हो, शासन प्रशासन के प्रति एक भय हो, ताकि वे भय के आलम में भी कम से कम अवैध गतिविधियों को जो है वह छोड़े। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती, जय हिंद मित्रों।